जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, लेकिन कोरिया जिले में यह योजना अब दम तोड़ती नजर आ रही है। जिले में करीब 2 साल पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस योजना के तहत संबंधित विभाग कुछ ही घरों तक पानी पहुंचाने में सफल हो पाया है, वरना ज्यादातर गाँव में या तो काम शुरू ही नहीं हुआ है या फिर शुरू हुआ है तो काम अधूरा पड़ा है। इस मामले में ताजा मामला कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर जिले के अंतर्गत आने वाले नरकेली पंचायत में देखने को मिला है, जिस गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की सप्लाई शुरू की गई थी, लेकिन एक ही महीने में पंप खराब हो जाने के कारण इस गांव में 2 जगहों पर टंकी से पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि ठेकेदार को सूचना दी गई है, लेकिन अब तक इसके मरम्मत के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। मेरा नाम फुरसा है और नरकेली का हूँ, और ये नल जल से एक हफ्ता चला, उसके बाद खराब हो गया है। मैं नरकेली का रहने वाला हूँ। ये जल नल योजना वाला टंकी 1 महीना पहले चालू हुआ था, 1 सप्ताह चला, उसके बाद खराब हो गया, कोई देखने नहीं आया। रमेश चरगट है, ग्राम नरकेली ललमटिया पारा से हूँ। ये 1 महीने जिसे हो गया सर, पानी नहीं आ रहा है। कितना दिन चला होगा ये आपका पंप? ये चला होगा 1 महीने जिसे। इसके बाद से किसी को शिकायत की है इसकी या किसी ने सूचना दी है? ये तो बाहर तो हम लोग किसी को शिकायत नहीं किए हैं, ये ठेकेदार लोगों को बताए कि सर ये मोटर जल गया होगा, धुआं फेंक रहा था पानी। क्या बोले? बोले कि ठीक है, बनवा देंगे। बोले 1 महीना हो गया बताए? हाँ, 1 महीना लगभग हो गया है। ये जल जीवन मिशन अंतर्गत जो पानी सप्लाई का कार्य आप बता रहे हैं, आपके माध्यम से ही जानकारी मिली है, और हैंडओवर होने के बाद में वर्तमान में पानी सप्लाई बंद है। इस संबंध में मैं संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच से चर्चा करने के उपरांत ही इस पर मैं कुछ बोल पाऊंगा। तब तक जांच का विषय है ये, और जांच करने के बाद इस पर आगे कार्रवाई की जाए।